नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं गिटोरनी में संजीवनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं होम डेकोर प्रोडक्ट्स के। स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फोन नंबर, इस जगह की सारी जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। दोस्तों हम यहाँ पर पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जानने आए हैं इनके पास और कितने प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, क्या प्राइस रेंज है इस बार, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के ओनर से और लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में। सो लेट्स गो। दोस्तों मेरे साथ संजीवनी आर्ट एंड क्राफ्ट से हैं मिस्टर शशिकांत जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बड़े बड़े सर, आप सुनाए। लास्ट वीडियो में बहुत प्यार मिला हम लोगों को और लोगों की ख्वाहिश थी कि दोबारा जाइए वहाँ पर और उनके काम को और दिखाइए, तो हम आ गए आपके पास, है ना। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, पहले ये जानकर पहले से और अब में कितना फर्क आ गया है काम में और क्या क्या काम और बढ़ गया, किस तरह के प्रोडक्ट और बढ़ा दिया आपने? सर बढ़िया, अच्छा रेस्पॉन्स आया जी और काम तो दुगना हो गया सर। अच्छा, प्रोडक्ट जो पहले बिक रहे थे उससे ज्यादा रेंज बढ़ गई है? रेंज बढ़ गई, कुछ नया नया और कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम भी आ गया। अच्छा ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, संजीवनी आर्ट एंड क्राफ्ट फाइबर और वुडन के होम डेकोर के प्रोडक्ट बनाते हैं और इनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। पहले अभी बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेस किस हिसाब से ये लोग करते हैं, फिर जो इनके फिनिश प्रोडक्ट है वो हम देखेंगे, है ना जी। तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, इसके बारे में मुझे बता दीजिए क्या बना रहे हैं, क्या है, कुछ समझा सकते हैं? इस सर ये जैन मंदिर में एक इनका लोगों के साथ इनका कुछ मंत्र लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें उनका सारे कुछ मंत्र होने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ मंत्र लिखा जाएगा, तो ये आप अभी इसका भी बेस बन रहा है, बेस के बाद इसका सब इमेज लगेगा, ठीक है, इसका बाद कलर होगा। ये फाइबर में है या वुडन में है? ये सर ये MDF है, MDF में बन रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस तरफ इधर देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक काम हो रहा है, थोड़ा मुझे ये सर फाइबर का है, ये एक 7 हॉर्स पैनल है ये जी, इसका साइज 4 फीट बाई 2 फीट का ये, ठीक है। तो अभी इस पे ये फिनिश कर रहे हैं इसको। अभी इसका बैकग्राउंड फिनिश हो रहा है, इसके बाद फिर फाइनल कोटिंग होगा। फाइनल कोटिंग होगा। अच्छा इधर की बात करूँ मैं सर आपसे, इनके बारे में मुझे थोड़ा बताएंगे, ये काफी हैवी पीस है और काफी बड़े बड़े पीस हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए हैं? ये सर ये एक नेचुरल वुड का है जी, और ये सिंगल वुड का ही बना हुआ है। ओके, जैसे हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में राधा कृष्णा गणेशा बुद्धा जी 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 इस तरह का है, और ये सर ये हमारे एक्सपोर्ट आइटम है, ये US जाता है, ये सारा US जा रहा है जी सर। ओके, तो आप US के अलावा कहाँ कहाँ और डिलीवर करते हैं? तो पैन इंडिया में होता है, बाकी बाहर कंट्री में अगर देखा जाए तो US है। इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एक वॉल में ये कैसा एक माउंटेन डिजाइन है। अच्छा माउंटेन डिजाइन, हाँ। ये मेरे ख्याल से फाइबर का है। फाइबर का है, इसके साइड में LED लाइट लगेगा। अच्छा, और ये कलर होगा, ये रॉ है ये। ओके चलिए बहुत बढ़िया। इसका साइज है 8 फीट बाई 5 फीट का साइज है, बहुत बड़ा साइज बन रहा है, ये रेस्टोरेंट में लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पे सर ये फिनिश वाला काम हो रहा है, ये 4 फीट बाई 3 फीट का ये वॉल मिरर्स है। अच्छा, बुद्धा पैनल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक और देख रहे हैं, ये सर ये 6 फीट बाई 4 फीट एक बुद्धा पैनल। वाओ बहुत बढ़िया, ये फिनिश हो चुका है या क्या है? अभी रॉ है, अभी ये रॉ है। अभी इसमें क्या प्रोसेस क्या रहता है, जैसे आपने मोल्ड तैयार कर दिया फिर उसके बाद उसको? इसके बाद फिर इसको घिसाई होता है। ओके, जैसे हमारा ये लेडीज लोग। अच्छा वहाँ की तरफ चलते हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ये है क्या, मुझे ये बताएं जरा। ये सर ये उड़ीसा का थीम है, कोणार्क कोइल का ये थीम है ये। अच्छा, कोणार्क का टेम्पल का ये डिजाइन है क्या ये, मतलब वुडन का? हाँ, वॉल मिरर। अच्छा, वुडन का? तो कई तरह के यूज करते हैं, कई वॉल मिरर्स लगाते हैं, कोई कुछ फर्नीचर में लगाते हैं, कोई टेबल टॉप बनाते हैं, अलग अलग टाइप के इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये मल्टीपर्पज है जी। कुछ बता सकते हैं इसमें सर काफी डिजाइन है, डिजाइन वगैरह? जैसे ये एक ही डिजाइन का ये। अच्छा, बाकी और भी डिजाइन है। अच्छा, डिजाइन इसमें काफी है। अच्छा, ये इसका सर ये लुक, ये कलर जो हो रहा है इसको एंटिक लुक दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको लगेगा 60-70 साल या 100 साल पुराना लगेगा ये, लेकिन है ये न्यू है, लेकिन ये एंटिक फिनिश दिया जाएगा, एंटिक फिनिश में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिनिश है, अनफिनिश है? साई बाबा, ये अनफिनिश है, इसके ऊपर कलर चल रहा है। अच्छा, अभी इसमें कलरिंग होने वाली है, साई बाबा का म्यूरल है। ठीक है, जानवर को छोड़ दिए। अच्छा, वहाँ जानवर वहाँ पे उस तरफ भी है, यहाँ पर भी है ना, और इस तरफ भी है, तो मुझे बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? ये तो हॉर्स और एंजल पैनल, एंजल बैठे हुए हैं, इनका हाइट है 8 फीट हाइट है। ओके,
और ये लाइफ साइज का टाइगर हिरन, उधर कुछ हिरन भी है लाइफ साइज का। ओके okay, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है सर, बेसिकली ये अपने इंडिया में खरीदे जा रहे हैं अभी? हाँ, इंडिया में करता है इसको, कहीं अपने फार्म हाउस हो गया, कहीं गार्डन हो गया। अच्छा, वहाँ पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो कर रहे हैं काम, पहले मुझे समझाइए क्या ये बड़ा साइज का पैनल है, 8 फीट बाई 6 फीट का ये पैनल है, ठीक है, वॉल म्यूरल से, ठीक है। इसका अभी इसका फिनिशिंग चल रहा है। ओके ये जैसे ये घिसाई हो रहा है, इसका पूरा स्मूथ कलर किया जाएगा इसको, और फिर कुछ गोल्डन में जो हमारा कलर है, ठीक है, ये होने के बाद इसको फिर ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में, दोनों में लगा सकते हैं, दमदार है जी, चलेगा जी। और अगर बात करूं इसकी लाइफ की, तो इसकी लाइफ कितनी रहती है, मतलब ये सालों साल चलने वाला सालों साल है? ये तो कभी भी अनब्रेकेबल आइटम है, कभी 100 साल के बाद भी कोई डैमेज नहीं होगा। बस कलर का है, कलर 5-7 साल 10 साल के बाद अगर कलर थोड़ा पैक होगा वो तो रिपेंट हो जाता है, रिपेंट हो जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समझाएंगे क्या काम कर रहे हैं? ये एक बुधा फेस है। अच्छा, इसको अभी रबिंग हो रही है। हाँ, रब के बाद क्या करते हैं? इसके बाद फिर बेस कलर होगा, बेस कलर के बाद फिर इसका फाइनल कलर होगा। ओके, अच्छा इस तरफ थोड़ा सा मुझे बताएं क्या ये सर? ये हमारा वुडन पैनल है, ये एक पंचमुखी गणेश पैनल है। ओके, और राधा कृष्णा बुद्धा कृष्णा, ये भी एक बहुत सारा डिजाइन है, ये यहाँ पर भी एक डिजाइन है, 6 फीट बाई 4 फीट, ये नेचुरल वुड का, ये सारे नेचुरल वुड में बन रहे हैं, ये सारे एंटिंग कलर में, देखिए वही एंटिंग हो रहा है। अगर मुझे ये दरवाजों की तरह इस्तेमाल करने हैं, या मेरी डाइनिंग टेबल में इस्तेमाल करने हैं, या मुझे वॉल म्यूरल की तरह इस्तेमाल करने, वो मैं इसको हर जगह ये उस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? ठीक है, अगर किसी को कस्टमाइज करवाना है पॉसिबल है? जी सर, कस्टमाइज बड़े ऑर्डर पे कस्टमाइजेशन है या सिंगल पीस में? मान लीजिए मेरे पास ये 6 फीट बाई 3 फीट का साइज है, आपको थोड़ा सा 6 इंच के साथ बढ़ाना है, साइड में इसका बॉर्डर लग जाता है, फ्रेम लग जाता है, उसमें डिजाइन बन जाता है। अच्छा, वो साइज के अकॉर्डिंग बन जाता है ये चीज। ओके ठीक है, यहाँ पर वही रबिंग का काम चल रहा है। और ये 7 हॉर्स पैनल है, 7 हॉर्स का बड़ा पीस है, 7 फीट बाई 6 फीट का ये। पीछे अगर आप देखोगे तो और बहुत सारे डिजाइन है, ये प्योर नेचुरल वुड का है, ये हमारा जो एक्सपोर्ट आइटम बताया था आपको, ठीक है। अभी हम कॉस्टिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम जब शोरूम की तरफ बढ़ेंगे वहां पर हम कॉस्टिंग वाली सारी डिटेल जो है वो आपको दे देंगे। अच्छा, ये जो दरवाजे थे वो रॉ हमने देखे, यहाँ पर अब उन पे कुछ काम हो रहा है, तो किस तरह का काम है, पेंट क्या हो रहा है, क्या ये नहीं? सर देखिए, वैक्सिंग है, क्या है? हाँ, वैक्सिंग है, वैक्स लग रहा है। ओके, ये मतलब इसका कलर को मेन एंटिंग लुक ये देता है। अच्छा, फाइनल टच में ये, फाइनल टच ये है इसका। ओके ठीक है, और यहाँ पर भी वही वैक्सिंग के सारे काम चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक आर्टिस्ट है जो अपना काम कर रहे हैं, तसल्ली से उनको परेशान कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, मुझे इसके बारे में बताइए, जो इतने बड़े बड़े आपके जो क्राफ्ट हैं, ये डिलीवर कैसे करते हो सर आप? सर डिलीवर नॉर्मली 10 फीट 11 फीट तक तो ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं। हाँ, अगर उससे बड़ा 12 फीट से ऊपर 15 फीट 16 फीट वो करते हैं। हाँ, फिर इसको हम क्या करते हैं, 2-3 पार्ट में लेते हैं, ठीक है, या एक उसको डिजाइन बना देते हैं, कस्टमर उसको लेके जोड़ के लगा देते हैं। अच्छा, नहीं तो अगर कस्टमर को अगर नहीं चाहिए कि नहीं मेरे को सिंगल पैनल चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, अगर इंडिया के अंदर है फिर हम लड़के भेजते हैं वहाँ पे इंस्टॉलेशन करके आते हैं, जो चार्जेस लगता है वो एक्स्ट्रा कस्टमर पे करता है। अच्छा ओके ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या काम चल रहा है अभी इसमें? इसका सर ये जो साइज है 9 फीट बिर्थ है, हाइट है 6 फीट, ये तो सिंगल जाएगा, ठीक है। अभी इसका कलरिंग चल रहा है, ये देखिए जैसे मेटालिक कलर हमारा ये गोल्डन एंटिक, जैसे आपको पुराना जैसे ब्रास टाइप का जो लुक है ना, जी जी जी, उस तरह का ये कलर हो रहा है। और इसको ऊपर हम जब कोटिंग डालेंगे ये कलर को प्रोटेक्ट रखेगा, ये कलर मतलब खराब नहीं होगा। जो एक्सटीरियर वाली कोटिंग आप डालते हैं, जो एक्सटीरियर वाली कोटिंग जो डालते हैं वो हर प्रोडक्ट में डलती है? उसमें एक कई तरह का होता है, जैसे एक मैट होता है, एक ग्लॉस होता है, और एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है, ठीक है। जैसे आपने देखेंगे जो गाड़ियों में जो डालता है एक्सटीरियर कोटिंग, जी जी जी, वो हमें यूज करते हैं एक्सटीरियर पेंट में। अच्छा, जो इंटीरियर के लिए, वो इंटीरियर तो वो बारिश धूप लगेगा नहीं, वो नॉर्मल कोटिंग चल जाता है। तो सर अब हम आ चुके हैं आपके शोरूम की तरफ, जहाँ पर मतलब क्या बताऊँ, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब छोटे बड़े हर तरह के प्रोडक्ट हैं, और क्या क्वालिटी क्या फिनिश है, वाह, मैं तो देख के मतलब बिल्कुल स्टंड हो गया हूँ। तो बताएं जरा क्या क्या इसमें प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाए हैं अभी फिलहाल? सर पिछले बार जो वीडियो बनाए थे उसी से हमने कस्टमर ने इतना प्यार, इतना मतलब गुड विशेस दे दिए, हमने अच्छा क्वालिटी भी थोड़ा बेहतर क्वालिटी भी बनाए हैं जी, और बढ़िया बढ़िया नए नए डिजाइन भी हमने क्रिएट किए। ठीक है, देखिए सर एक पैनल है 6 फीट बाई 4 फीट, इसको हमने लीफ पैनल बोलते हैं। अच्छा, लीफ पैनल है। हाँ, लीफ थोड़ा सा ब्रिक्स ईंट का डिजाइन वो भी है। ठीक है, और इस सारे कलर तो हमने कलर हमारे आर्टिस्ट ने बनाए हैं। अगर कस्टमर क्या करते हैं, उनको देखने के बाद अगर उनका कुछ अगर क्रिएटिविटी करना है, कलर चेंज करना है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब इसमें पूरी छूट है। हाँ ना। अच्छा, ये साइज क्या बताया आपने?
सर 6 फीट बाई 4 फीट। 6 फीट बाई 4 फीट, ठीक है। इसमें क्या प्राइस ले रहे हैं अभी फिलहाल, पर स्क्वायर फीट में ले रहे हैं या प्रॉपर पूरा ले रहे हैं? हाँ, स्क्वायर फीट में वही उतना आएगा सर, 13,500 रुपये आएगा ये। अच्छा, 13,500 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, अनब्रेकेबल है। साथ में आप अलग से लेते हैं इसको पहुँचाने की कॉस्ट और पैकिंग चार्ज, है ना? एक्स्ट्रा चार्जेस सर, पैकिंग शिपिंग एक्स्ट्रा चार्जेस, वो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ अगर बात करें, यहाँ पे छोटे छोटे जो आइटम्स लगे, 500-600 रुपए से स्टार्ट है जी सर, 500-600-400 ऐसे हैं। अच्छा, छोटे छोटे वॉल मिरर्स। अच्छा, मिनिमम क्या प्राइस रेंज स्टार्ट है वैसे इनकी, मतलब अगर सर ये 250-300, ये अगर 250 में ये है। अच्छा, और भी छोटे छोटे हैं। ओके, ये एक कैट फैमिली है। ये कितने से स्टार्ट है? ये मेल फीमेल दोनों, मतलब फादर मदर दो बच्चे। अच्छा, ये 1200 रुपए का ये सेट है। ओके, ठीक है। साथ में मैं देख रहा हूँ ये स्पेसशिप, अभी तो चंद्रयान ने सक्सेस लिया है हमारा, है ना? साथ में आपने काफी ये है क्या वैसे, ये मतलब एक वॉल्यूमल टाइप है। ओके, ये कितने से स्टार्ट है? ये 250-300-400 ऐसा ही है। ओके, ठीक है। काफी मुद्राओं के जो हैंगिंग इसमें सर, हमारे पास मुद्रा के 8 डिजाइन है। 8 डिजाइन है आपके पास, और साइज हमारा 3-4 साइज है। वाओ, ये बड़ा साइज। इसमें देखिए सर, एक हाई ग्लोस कोटिंग डाला हुआ है। अच्छा, ये हाई ग्लोस। इसमें देखिए, अगर पानी भी अगर गिरेगा ना, पानी अब्जर्व नहीं करेगा, पानी और धूप ये कोई इफेक्ट नहीं। क्या प्राइस पे है ये? ये सर आएगा 3500। जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं वो रिटेल वालों के लिए है ना, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, गर्मी बहुत है, पसीना हम लोगों को बहुत आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम ड्यू टू कैमरे के डिस्टर्बेशन हो ना हो, माइक में ज़्यादा आवाज़ ना आए, इस वजह से हम लोग एग्जॉस्ट भी नहीं चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ जो आर्ट है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा। 4 फीट बाई 3 फीट गणेश पैनल है, ठीक है। क्या प्राइस ले रहे हैं आप इसका? ये 3D में, ये उसका मतलब थिकनेस बहुत कम है, इसलिए इसका ये प्राइस कम है। ये आएगा 4500। ये 4500। साथ में यहाँ पर इधर एक और है, ये 3 फीट बाई 2.5 फीट। ये एक कौन सा आर्ट है? ये सर बुधा बोलते हैं उसको। अच्छा, बुधा का कई तरह का अलग अलग क्वालिटी वेरायटी भी आता है। ये कस्टमाइज बनाया है किसी ने? कस्टमाइज, स्टार्टिंग से हर चीज तो कस्टमाइज बनता है। और कहीं ना कहीं कस्टमर उनको अगर डिजाइन दिए। इस तरफ अगर मैं बात करूँ, गणेश जी की एक और बहुत प्यारा वॉल म्यूरल है, क्या प्राइस पे होगा? 2.5 फीट बाई 2 फीट। क्या रेंज है इसकी? ये आएगा सर 4000। 4000 पे, ठीक है। अगर बात करें, आप मिरर वगैरह में भी इस तरह फ्रेम बना के देते हैं ना? मिरर कई तरह का डिजाइन है, वो भी कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये डिजाइन है ट्री वाला जी सर, ये ट्री इसका 5 फीट बाई 4 फीट का साइज है। प्राइस क्या ले रहे हैं? ये स्क्वायर फीट 600 रुपये स्क्वायर फीट में आएगा ये। वाओ, बहुत बढ़िया। ये एक और आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, 4 फीट बाई 2.5 फीट है। ओके, और क्या प्राइस है इसका? ये सर आएगा 6000। 6000 में, ठीक है। यहाँ पर एक डिजाइन है, ये 4 फीट बाई 4 फीट एंड प्राइस? प्राइस सर ये 6000। 6000 रुपये में, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ है। मतलब मैक्सिमम आपका साइज वही मिलेगा, 4 फीट 3 फीट 5 फीट। इसमें एक रेगुलर साइज है, हर कोई आके अपना मतलब कैरी करके ले सकते हैं, कार में डाल के ले सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओगे? ये स्लीपिंग बुद्धा स्टेचू है, ये 4.5 फीट इसका लेंथ है, 1.5 फीट हाइट है। इसका सर आएगा 12,000 रुपये रेट। 12,000 रुपये, ठीक है। ये एक और बहुत, ये भी ग्लॉस में है? ये ग्लॉस में है, इसमें कोटिंग लगा हुआ है, ठीक है। क्या रेंज में है ये? इसे 3 फीट बाई 3 फीट। 3 फीट बाई 3, ये 5000। अच्छा, इसमें हम पीछे LED वगैरह भी फिक्स आउट करवा भी लगा सकते हैं? करवा सकते हैं जी जी, वो आप करके देंगे? हाँ हाँ, ठीक है। अगर बात करें फिर इस तरफ हम आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक और गुरु नानक जी, ये ओवल शेप में है ना? हाँ जी, ये ओवल शेप में है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे? सर 3.5 फीट हाइट है, 2.5 फीट उसका चौड़ाई है, विड्थ है। ओके, ये भी प्राइस वही 5-5.5 ऐसे रेंज में आता है, ठीक है। थोड़ा इस तरफ आते हैं, यहाँ पर तिरुपति बालाजी जी, बताएं मुझे। 3 फीट बाई 2.5 फीट। वाओ, इसका वर्क देखिए कितना बारीक से है। ये थोड़ा सा महंगा है, 7,500 के आसपास आएगा ये। इसमें काम बारीकी वाला है ना, इस वजह से, पर है ये फाइबर में? फाइबर है ये, फाइबर में है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, यहाँ पे इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। ये 3.5 फीट बाई 2.5 फीट। ये 4500। ये 4500 में, ठीक है। अब थोड़ा बड़े की तरफ जाते हैं, है ना? और शुरुआत यहाँ से करें? जी सर, आ जाइए इस तरफ से करते हैं शुरुआत, और फिर इधर भी दिखाएंगे। वैसे 6 फीट बाई 4 फीट का ये, ठीक है, लोटस बुधा उसको बोलते हैं। ओके, और 600 रुपये के रेंज में स्क्वायर फीट। ओके, 600। अच्छा, आप स्क्वायर फीट के हिसाब से भी बेचते हैं, और अगर किसी को प्राइस इक्वल जानना है तो वो भी जान सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे वो वुडन वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं। वुडन में इसके सर कई तरह का डिजाइन है। अच्छा, इसमें अच्छा, ये गणेश है, वो बुधा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बारे में बात करें थोड़ा। ये सर गणेश है, 6 फीट बाई 4 फीट, ये थोड़ा हाई रिलीफ में है, इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा आएगा, 16,000 रुपये में आएगा ये, ठीक है। और अगर इस तरफ हम बात करते हैं इसकी, मेरे ख्याल से इसमें तो LED का पैनल, LED लगा हुआ सर, ये 8 फीट बाई 4.5 फीट का इसका हाइट है, ठीक है।
और डिजाइन बुद्धा के अलावा हम कोई सा भी कस्टमाइज करवा सकते हैं ना जी सर, अपनी मर्जी से जो भी हमें पसंद आ रहा है वो हम आपको दे सकते हैं। सिंगल पीस में भी आप बना दोगे हाँ जी, बट उसके लिए विड्थ और उसकी जो मतलब डायमेंशन डायमेंशन है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम मैक्सिमम कस्टमाइज के लिए? सर एक तो पिक्चर का अकॉर्डिंग वो लेना पड़ेगा। अच्छा, और फिर हमें कस्टमर का उनका भी वॉल का साइज क्या है, उनको क्या साइज चाहिए, उसी के हिसाब से कुछ हमें ऐड करना पड़ता है पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, प्राइस बता सकते हैं इसका क्या है? इसका सर एलईडी के साथ स्क्वायर फीट 700 का आएगा, विदाउट एलईडी का 600 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है और ये स्टोन फिनिश में है पूरा, है ना? ये एक सर मॉडर्न आर्ट है राधा कृष्ण का। ठीक है, ये आर्ट पर है, ये फाइबर में? हाँ है फाइबर में। वाओ, और ये स्टोन फिनिश के साथ है? फिनिश में 8 फीट बाई 3 फीट का। ओके, क्या रेंज ये सर? नया कस्टमाइज पीस इसका जो न्यू बनाए हैं 30,000 का ये, बाकी सेकेंड पीस आ जाएगा इनका 20-25। अच्छा, इस पे पहला ये ऐसा ऑर्डर है जो आपने कस्टमाइज में इसका डाई बनाया है? हाँ जी, तो मतलब हमेशा पहला ऑर्डर महंगा होगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी कस्टमर ही समझते हैं, जानते भी हैं। हाँ ठीक है, पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा एलईडी वाले फ्रेम के साथ राधा कृष्ण वाला जो आर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं मुझे। ये सर वही 6 फीट बाई 4 फीट का साइज। ठीक है, एलईडी के साथ ये आएगा 15,500 आएगा। और जो कलर हम देख रहे हैं ये कहीं छूटने वाले नहीं है ना, 5-6 साल ऐसे ही रहेंगे। हाँ। चाहे हम इसको धूप में रख रहे हैं, चाहे हम इसको बारिश में रख रहे हैं, ये खराब नहीं होने वाले। एंटिक लुक में ये है, मतलब इसमें कोई अगर डस्ट वस्ट बैठ जाए आपको वो इतना एंटिक लुक देगा। ओके, ये खराब पानी से खराब नहीं होने वाले है ना? और इसमें जो एक्सटीरियर आपका जो कोटिंग आता है वो सारे प्रोडक्ट में रहने वाला जी। ठीक है, और कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ से जो आप देखिए सर? छोटे मुद्राएं हैं, 4 फीट हाइट में मुद्राएं हैं। बहुत बढ़िया, जैसे एयरपोर्ट में लगे हुए हैं बड़े बड़े। अच्छा, वहीं से कस्टमर ने किसी ने देख के मेरे को ऑर्डर दिए थे। अच्छा, इनका 4 डिजाइन है। ओके, इस तरफ ऊपर भी हम देख सकते हैं 2 डिफरेंट साइज में प्रोडक्ट लगे हुए हैं। 5x3 का राधा कृष्णा, ये 6x3 का बुद्धा, ये 6x4 का एलिफेंट फेस। अच्छा, बहुत सारे डिजाइन सर ये भी है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचना चाहता है होलसेल में जी सर, है ना, तो मिनिमम परचेज कितना, मतलब मिनिमम क्या लेना पड़ेगा? ऐसे कोई सर रेंज नहीं, आपने मतलब 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2-4 आइटम लेके स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आपका बजट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है। अच्छा, आपने इस तरफ हाथ का इशारा किया और मुझे बताया कि इसको जरूर दिखाओ। हाँ तो बताएं जरा। इस सर नेचुरल वुड का ये, सॉलिड वुड में, सॉलिड वुड है। ठीक है, गणेशा साउथ साइड का ये मूर्ति डिजाइन है। ठीक है, ये वॉल हैंगिंग कर सकते हैं, 100 पीसेस का रख भी सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सॉलिड वुड है, डेफिनेटली बहुत महंगा होगा जी सर। क्या कितना इसका सर आएगा? 45,000। 45,000, वाओ। एक पीस को बनने में कितना टाइम लगता है इसको? सर कारीगर टोटली हैंडमेड का काम है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है। हाँ। पूरा हाथ से पूरा नकाशी वगैरह बने हुए हैं। एक बंदा अगर देखा जाएगा तो इसको पूरा 1 महीना लगता है काम करने का। 1 महीना इसको बनाने में? टोटली हाथ का काम है, उसी के पैसे हैं, है ना? ठीक है, पीछे देख रहे हैं हम जगन्नाथ जी का ये मंदिर का मंदिर का जो थीम है, इसमें एलईडी लगा हुआ है। वाओ, 6 फीट बाई 4 फीट का साइज है। ठीक है, ये एलईडी के साथ ये 700-750 ऐसे स्क्वायर फीट में ये आया। ओके, उसके बगल में एक और फिर गोल्डन फिनिश में ये भी 6x4 का साइज में। ओके, अगर हम आगे की तरफ वॉल में नजर दौड़ाएं अपनी, तो यहाँ पर बहुत कुछ है लेने के लिए। हमारी जो CNC वाली कटिंग है वो कितने से स्टार्ट हो रही है फाइबर में? वो अगर स्क्वायर फीट देखा जाए 300 का स्टार्टिंग स्क्वायर फीट है। ओके, वाओ, इसके बारे में बताएं मुझे, क्या फिनिश है इसमें? गणेश जी 6 फीट बाई 4 फीट हाई रिलीफ का पीस है, 16,000 रुपये इसका रेंज। अच्छा, और कलर आपको कस्टमर का डिमांड के ऊपर जैसा जैसे चाहिए वैसे बन जाएगा। अपने इंटीरियर के हिसाब से भी आप इसे मैच करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इस तरफ आता है, यहाँ पे और बड़े प्रोडक्ट हैं सर। किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। इसका सर सिंहासन बन रहा है। सिंहासन? हाँ जी। ओके। ये इसका अभी फोल्डेबल है, ये कि ऐसे साइड में ये लगेगा। अच्छा, उधर भी एक साइड का ये लगेगा। ओके, राउंड में ही लगेगा और फ्रंट के स्टैंड के लिए ऑलरेडी उनका पास है। अच्छा, ये सब सेट होगा। कितने बाई कितने का है ये? ये सर 7 फीट हाइट है, 6 फीट उसका चौड़ाई है। ओके, तो प्राइस क्या ले रहे हैं आप इसका पर स्क्वायर फीट? भाई इस पे सर स्क्वायर फीट नहीं है, तो कस्टमाइज पीस है इसका। स्टार्टिंग हमने इसको लिए थे 1 लाख में लिए थे यार। अच्छा, ओके, और इसको ऐसे टुकड़ों में आप डिलीवर करवा देंगे? अभी सर इसमें हमें नया अभी काम शुरू करने वाले, इसमें कुछ बेड वगैरह ही बना रहे हैं ऐसे ही लुक में। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ हम एक बार नज़र अगर दौड़ाएँ तो हम देख पाएंगे काफ़ी सारा डिजाइन है। देखिए शिवाजी महाराज 3 फीट बाई 2.5 फीट, बुद्धा पैनल, गणेशा 6x4, 4x3, बहुत सारी अलग अलग साइज में। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, ये एक और
ये एक बड़ा साइज है सर, ये 8 फीट बाई 5 फीट। मुझे इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ये जब आप डिलीवर करोगे सिंगल, ये सिंगल में सर डिलीवर होगा, सिंगल में डिलीवर होगा, बड़े पीस में थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है। अच्छा हाँ, पर ये पहुँच जाएगा बिना टूटे फूटे, अनब्रेकेबल है। वैसे भी हमारा मतलब कस्टमर के घर के पहुँचने तक हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके। अच्छा जी ओके, मुझे इसके प्राइस के बारे में बता सकते हैं? इतना बड़ा जो वॉल म्यूरल आर्ट है, ये कहाँ लग रहा है? होटल वगैरह के लिए है क्या ये भी? घर में लगाते हैं, कोठी में जो जिनका बड़े बड़े वॉल है वहाँ पे भी लगता है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। डिज़ाइन हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं जी, राइट। मुद्राओं की काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, है ना? बड़े मुद्रा ये इसमें कोटिंग लगा हुआ है ग्लॉस में, तो क्या मैं इसको अगर ग्लॉस में अगर करवाना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है? हाँ जी हाँ जी, है ना। उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ग्लॉस का? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। एक्स्ट्रा चार्ज इस तरफ, ये बुद्धा स्टैचू सर 5 फीट हाइट। इसका कलर देखिए पूरा कॉपर सेंटिंग कलर में, ये जैसे पूरा पीतल तांबा लगता है ये जी, उस तरह के कलर में ये। बहुत बढ़िया खूबसूरत। इस तरफ आप देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से लाइट वाली एक एलईडी गणेशा पैनल, इसके अंदर 4.5 फीट बाई 4.5 फीट ब्लाइट के साथ है। बहुत खूबसूरत, इतने बढ़िया बढ़िया इनके पास डिज़ाइन है। मतलब क्या क्या दिखाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है, बगल में है ऊपर है, मतलब एक मुद्रा डिजाइन है। हाँ मतलब डिजाइन तो बहुत सारे हैं। अब जैसे आप चाहो तो इस तरह से आप सजा के भी इसको खरीद सकते हैं, अपना क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताएंगे क्या प्राइस है? सर स्मॉल साइज का मुद्रा है, 9 इंच हाइट है, ये 1000 का ये पड़ेगा आपका मुद्रा, ठीक है, और ये 4000 का आपका रेंडियर फेस। ओके ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ। सर ये पैनल बुद्धा पैनल 6 फीट बाई 4 फीट, इसका प्राइस वही 13,500। और एक ये देखिए मॉडर्न में राधा कृष्णा, ये 6 बाई 5 का ये। बहुत बढ़िया कलर जो है ना वो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं इनके। जैसे अब इसकी बात करेंगे, ये बहुत ही डिफरेंट आर्ट है। हाँ। एक जंगल थीम है ना, जंगल थीम है। इसके पीकॉक वगैरह मोर वगैरह बैठे हुए हैं, डाले ये सो पेड़ बना हुआ है, एक सीनरी टाइप का ये है। ओके 5 फीट बाई 4 फीट का ये। अगर मुझे इसको इस पे लाइट चाहिए तो आप इसमें फ्रेम ऐड कर दोगे? हाँ, है ना, फ्रेम ऐड कर देंगे। अगर कलर में चेंज करना तो वो कलर भी चेंज हो जाएगा। बहुत तरह का क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, संजीवनी आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉलो जरूर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।